Hello guys, this is Gaurav Maurya and you are watching Fitness TV. Today I am going to talk about your dinner, क्योंकि बहुत ही helpful होगा आपके fat loss और muscle building के लिए. So without wasting any time, let's start the video. डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है उसको आप फुलफिल करते हैं 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के थ्रू, जो कि है कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट. तो जब हम बात करते हैं फैट लॉस और मसल बिल्डिंग प्रोग्राम की, तो जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, उसको फुलफिल करने के लिए आप अपना कार्ब्स और फैट को कम कर देते हैं, और जो कैलोरीज है उसको फुलफिल करने के लिए अपनी प्रोटीन इंटेक को बढ़ा देते हैं. मतलब आपको अपना कार्ब्स और फैट कम करना है और प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है, जिससे कि आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की वो फुलफिल होगी. चलिए बात करते हैं आपके डिनर की. तो डिनर से 10 से 15 मिनट पहले आपको लेना है ग्रीन सैलेड्स और रॉ वेजिटेबल्स, जिसमें कि आपको लेना है क्यूकम्बर्स, कैरेट, टमाटो, ब्रोकली और उसमें लेमन जूस, जो कि लेमन जूस आपको फैट लॉस के लिए आप सभी जानते हैं बहुत ही इफेक्टिव है. और ये ग्रीन सैलेड्स और रॉ वेजिटेबल्स आपको देंगी विटामिंस एंड मिनरल्स, जो कि बहुत ही एसेंशियल है आपकी बॉडी के लिए, आपके हेयर के लिए, नेल्स के लिए, स्किन के लिए बहुत ही एसेंशियल है. और दूसरा एक फायदा ये है रॉ वेजिटेबल्स लेने का डिनर से पहले, कि जब आप रॉ वेजिटेबल्स या सलाद डिनर से पहले ले लेंगे तो आपका जो रेगुलर इनटेक है मील का वो आप ऑब्वियसली कम लेंगे, और जब वो आप कम लेंगे तो आपका जो कार्ब्स इंटेक है वो कम होगा और फैट इंटेक कम होगा और आप फैट लॉस में हेल्पफुल होगा. रॉ वेजिटेबल्स लेने के 15 मिनट या 10 मिनट बाद आपको लेना क्या है, आपको लेना है 2 व्हीट रोटी, और अगर आप व्हीट रोटी पसंद नहीं करते हैं तो 1 बाउल ऑफ ब्राउन राइस. ब्राउन राइस नहीं है तो आप व्हाइट राइस भी ले सकते हैं, लेकिन ब्राउन राइस ज्यादा अच्छा है. और 1 बाउल ऑफ दाल एंड 250 ग्राम to 300 ग्राम वाइल्ड चिकन, और अगर आप वेजिटेरियन है तो आप चिकन को रिप्लेस कर सकते हैं पनीर की किसी भी डिश से. लेकिन याद रहे कोई भी डिश चाहे चिकन की हो पनीर की हो ऑयली ना हो, अगर आप ऑयली लेते हैं तो फिर इस डिनर का कोई फायदा नहीं है. तो गाइस ध्यान रहे जो भी आप चिकन या पनीर की डिश बना रहे हैं उसमें मिनिमम ऑयल यूज करना है, अच्छा होगा आप ऑयल यूज ना करें, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ऑलिव ऑयल यूज करें. ऑलिव ऑयल का एक फायदा और है कि ऑलिव ऑयल थोड़ा महंगा है, और महंगा होने से आप उसको कम यूज करेंगे, और कम यूज करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको फैट कम यूज करना है, कम इंटेक करना है. इस मील में आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट रोटी या राइस से, प्रोटीन मिलेगा आपको दाल से, और हाई प्रोटीन मिलेगा आपको चिकन या पनीर से, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके फैट लॉस और मसल बिल्डिंग में. अगर आप और भी अच्छे और जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं तो अपने लंच से पहले भी ग्रीन सैलेड को ऐड कर सकते हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको इस डाइट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करना है, मीन्स फिजिकल एक्टिविटी करनी है. जरूरी नहीं है कि आप जिम में जाकर ही पसीना पाएं, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं. आप जिम जा सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद है लाइक योगा कर सकते हैं तो आप करिए, तो इससे आपको जल्दी और फास्ट रिजल्ट मिलेंगे. ऐसे ही और भी बहुत सारे फिटनेस वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट, कीप स्माइलिंग.